नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 48, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं या फिर आप उसको फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं, ठीक है। आज की क्लास में भले ही हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उन 35 प्रश्नों के साथ हम कई और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। राज और राजवंश दिया गया है, स्टेट और डायनेस्टी दी गई है। पहला, गोलकोंडा के सामने कुतुबशाही लिखा है, अहमदनगर के सामने निजाम शाही लिखा है और बीजापुर के सामने इमाद शाही वंश लिखा है। तो देखते हैं क्या सही है। गोलकोंडा की अगर हम बात करें तो गोलकोंडा में कुतुब शाही वंश था, एकदम सही है। अहमदनगर की बात करें तो यहाँ पे निजाम शाही वंश था, एकदम सही है। बीजापुर में जो था वो इमाद शाही वंश नहीं था, ठीक है, यहाँ पर आपका आदिल शाही वंश था। इमाद शाही वंश की अगर हम बात करें तो ये आपका बरार में था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है, तो ओनली थर्ड यहाँ पर जो है वो गलत है। तो देखिए, जब भी हम खानदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे फारूकी वंश था, ठीक है, और यहाँ के संस्थापक कौन थे, मलिक राजा। क्लास, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से पेपर में प्रश्न बने हैं, पेपर में प्रश्न बना था, राज दिया था और यहाँ पर राजवंश दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप किस राज में कौन सा राजवंश था, साथ ही साथ आप संस्थापक के नाम को भी जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। बरार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इमाद शाही मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। बीजापुर की अगर हम बात करते हैं तो आदिल शाही, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आपका अहमद नगर की तो यहाँ पर निजाम शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्लास, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, सूची एक दी गई है, सूची दो दिया गया है, किसान सभा दी गई है और स्थापना एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया गया है। तो आराम से इसको पढ़ते हुए चलेगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना आपका 1918 में हुई थी, ठीक है, मैच करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर 1918, तो हम देखते हैं ए का सेकंड आपका बी और सी में दिया गया है, ठीक है। अवध किसान सभा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के 2 साल बाद अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो वो कब हुई थी, 1920 में। तो यहाँ पर देखते हैं 1920 किस में दिया गया है, 1920 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका सी सही होना चाहिए, लेकिन हम और ऑप्शंस को भी मैच कर लेते हैं। बिहार किसान सभा की अगर हम बात करें तो 1929 होगा और अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो 1936। बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी, सहजानंद सरस्वती जी ने की थी 1929 में बिहार किसान सभा की। उसी के बाद आपके अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी, किसके साथ मिलकर, एनजी रंगा के साथ मिलकर, ठीक है। अवध किसान सभा की बात करें तो 1920 बाबा रामचंद्र, ठीक है, और 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी गौरीशंकर मित्र और इन नारायण द्विवेदी द्वारा। क्लास, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका एस्टैब्लिशमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ किसने एस्टैब्लिश किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है कि फिर से प्रश्न बन जाए, तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे याद रखा करिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, उसके 2 साल बाद अवध बना था, फिर उसके बाद बिहार किसान सभा आई थी और लास्ट में ऑल इंडिया किसान सभा आई थी, ठीक है। तो
अगर कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसान सभा को अरेंज करने के लिए पेपर में पूछेगा तो आप आराम से उसको अरेंज कर सकते हैं, भले आपको एग्जैक्ट ईयर याद हो चाहे ना। चलिए तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, सत्य है बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया गया इस सत्याग्रह के समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, दूसरा दिया गया इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। तो कौन सा इसमें से आपका सही है देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ है, 1928 में। ठीक है, और यहाँ पर लीडर कौन थे उस समय, वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल जी को बरदौली सत्याग्रह के समय ही सरदार की उपाधि दी गई, तब से हम इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। ठीक है, और बरदौली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, इतना क्लियर हो गया। तो 1928 के समय आपका जो वॉइसरॉय था वो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन, ना कि लॉर्ड रीडिंग, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, ये एकदम गलत है। बरदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उन्हीं में से कुछ महिलाओं ने सरदार जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। डी आपका जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा थर्ड का डी। फोर्थ हम देखते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले यंग बंगाल मूवमेंट दिया है, फिर होम रूल लीग मूवमेंट दिया है, फिर कामागाटा मारू एपिसोड दिया गया है, प्रकरण दिया गया है, फिर दिल्ली बम केस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यंग बंगाल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये 1828 का समय है। ठीक है, कब का समय है, 1828 का समय है। फिर जब हम होम रूल लीग मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो लीडर्स के नाम याद रखने हैं, किसके किसके, बाल गंगाधर तिलक के और एनी बेसेंट के। और ये ईयर कौन सा है, 1916 का समय है ये। ठीक है, फिर उसके बाद कामागाटा मारू एपिसोड की अगर हम बात करें तो ये आपका 1914 का समय है। ठीक है, और यहाँ पर जब दिल्ली बम केस की हम बात करेंगे तो ये 1911-12 का समय है। तो चलिए अरेंज करते हैं, सबसे पहले आपका वन हो जाएगा यंग बंगाल मूवमेंट, उसके बाद आपका हो जाएगा फोर, फिर क्या होगा थ्री, फिर टू, 1432, 1432। यहाँ ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं है 1432, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ये गलत दिया है, या फिर आप इसको कर लो बी ऑप्शन में 1432 इसको कर लो और बी को सही आंसर मार्क कर लो। ठीक है, ये याद रखना, मैंने आपको बता दिया कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए थे गलत दिए थे क्लास, इसको सही कर लीजिएगा, इतना चीज क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया होम रूल लीग मूवमेंट से आप याद रखेंगे किसका नाम, आप याद रखेंगे एनी बेसेंट का नाम और बाल गंगाधर तिलक का नाम। यंग बंगाल मूवमेंट की जब हम बात करें तो यहाँ पे आप हेनरी विविन डेरियोजिया का नाम याद रखेंगे। ठीक है, दिल्ली बम केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप राज बिहारी बोस का नाम याद रखेंगे। और कामागाटा मारू एपिसोड की अगर हम बात करें तो ये क्या प्रकरण था, इसमें एक एक सरदार जी थे गुरदीप सिंह जी, जिन्होंने एक बोट को हायर किया था और इस बोट को क्या करना था, जो इंडियंस थे, जो लोग थे इस बोट पे बैठे थे, इस बोट को उनको पहुंचाना था कनाडा। ठीक है, कनाडा में जाके वैनकोवर में ये बोट रुकनी थी, लेकिन वहां पर इस बोट को रोकने नहीं दिया गया और इसको भारत भेज दिया गया। तो सितंबर 1914 में ये जो बोट थी उतने दिन का ट्रेवल करके, जो बोट कनाडा में रुकनी थी उस बोट को वहां ना रोककर भारत वापस भेजा गया। तो ये जो बोट थी ये आपकी जाकर भारत में पहुंची सितंबर 1914 में। लोग एकदम भूख प्यास से एकदम परेशान, और उनका स्वागत करने के लिए वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स खड़े थे। अब आपको पता है जहां पर भी ब्रिटिश ऑफिसर खड़े होंगे तो वहां पर स्वागत कैसे होगा, डंडे से, बंदूक से, लाठियों से ना। तो यही था आपका पूरा कामागाटा मारू एपिसोड। तो यहाँ पे गुरदीप सिंह जी का नाम याद रखिएगा। और ये जो शिप थी ना, ये एक जापानीज शिप थी, ठीक है, जो कि कनाडा जानी थी लेकिन इसको भारत वापस भेज दिया गया था। कभी किसी और लेक्चर में खूब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा और ऑप्शन क्या कर लीजिएगा, बी कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है ये थोड़ी सी मिस्टेक थी।
चलिए फिफ्थ प्रश्न को हम देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। मिडिल स्टोन एज की बात की गई है और बोला गया है कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। बागौर मध्य पाषाण कालीन गुजरात में स्थित है। दूसरा आपको दिया गया मध्य पाषाण कालीन स्थल लंगनाच का उत्खनन बीबी लाल द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का, डी। अब क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। बागौर जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है एकदम सही है, लेकिन ये गुजरात में नहीं, ये राजस्थान में है। दूसरा ऑप्शन आपको जो दिया गया है मध्य पाषाण कालीन स्थल लंगनाच का उत्खनन जो है वो बीबी लाल द्वारा नहीं एसडी संकालिया द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो फिफ्थ का जो है वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। लंगनाच में 14 कंकाल मिले थे उत्खनन के समय, तो एचडी संकालिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो बागौर है वो राजस्थान में है, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने किया है, बीएन मिश्र ने किया है। और ये किस नदी के तट पर है, ठीक है, ये कोठरी नदी के तट पर स्थित है। अब पेपर में प्रश्न ऐसे भी बनने लगे हैं जो साइट्स हैं वो किस नदी के किस नदी के पास है ये पूछ लेता है, ठीक है। हरप्पन साइट्स पूछ लेगा यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, बोला गया है, ठीक है। Which of the following ruler did not belongs to the slave dynasty? तो यहां पर slave dynasty से कौन belong नहीं था, तो इल्तुतमिश दिया गया है, फिर अलाउद्दीन महसूद शाह दिया गया है, मोहम्मद शाह दिया गया है, फिर नसीरुद्दीन महमूद दिया गया है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी से आपका नसीरुद्दीन महमूद जो है वो बिलोंग नहीं करता था, ये सैयद डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बाकी जो तीन दिए गए हैं ये आपके स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गुलाम वंश के थे। अब देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके की आंसर आप दीजिएगा। फर्स्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला कैपिटल, राजधानी क्या थी, ये पहला प्रश्न है जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि थोड़ा हमारे बीच में एक इंट्रैक्शन भी डेवलप हो, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ठीक है। दूसरे प्रश्न को देखिए अब यहाँ पर, विच रूलर हैड द टाइटल ऑफ पील बख्श एंड लाख बख्श इन द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। पील बख्श और लाख बख्श का उपाधि किसने ली थी, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज ऑल्सो नोन एज हतीम सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी सही उत्तर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ड द मोज़ेक कुतुबत उल इस्लाम, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा की अगर हम बात करें, ये किसने बनाया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। तुर्क के चलगानी ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये कोई मॉन्यूमेंट नहीं था, ये चार कुछ मेंबर्स का ग्रुप था, ये याद रखिएगा। अभी मैंने यहाँ पे कुवतुल इस्लाम की बात कर ली, ढाई दिन के झोपड़े की बात कर ली, तो सबको लगेगा मैम ये भी कोई मॉन्यूमेंट था, ये मॉन्यूमेंट नहीं था। तुर्क चल गानी जो था ये कुछ मेंबर्स का, 40 मेंबर्स का ऐसे ही एक ग्रुप था, जिसको कि किसने फॉर्म किया था, इल्तुतमिश ने फॉर्म किया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे इस प्रश्न का बहुत ही आसान उत्तर है, 2 मिनट लगेगा टाइप करने में, कमेंट में बताइएगा जरूर मुझे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वें प्रश्न को। यहाँ पर कथन दिया है, कारण दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की बात की गई है। विजयनगर साम्राज्य पेपर की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल नहीं तो 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो इस टॉपिक को मत छोड़िएगा। विजयनगर साम्राज्य में कुल 3 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य से निरंतर संघर्ष चलता रहता था। अब क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में कुल 3 वंशों की बात की गई है, तो विजयनगर साम्राज्य में आपके 3 वंश नहीं है, विजयनगर साम्राज्य में आपके 4 वंशों की बात की गई है, ठीक है। और वो कौन कौन से, संगम, ठीक है, SS, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है, संगम है, ठीक है, फिर सुलुभ है, फिर सलुभ है, फिर तुलुभ है, फिर अरावेणु है, ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास ये चीज। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 आपके वंश थे, ठीक है।
अच्छा, विजयनगर सम्राट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है तालीकोट का युद्ध, ठीक है, या तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो था, विजयनगर एम्पायर कंटिन्यूड टू स्ट्रगल विद द बहमनी एम्पायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रगल तो चल ही रहा था विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर में। तो पहला स्टेटमेंट और रीजन तो एक दूसरे से एकदम भी कनेक्टेड नहीं है, और पहला स्टेटमेंट तो आपका पूरी तरीके से गलत भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए एट्थ प्रश्न को हम देखते हैं। जैव विविधता के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं होती है, ठीक है, एनवायरमेंट का एक अच्छा प्रश्न है ये। मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए कौन सी टेक्निक का यूज नहीं होता है, अल्फा गामा डेल्टा बीटा, तो अल्फा बीटा गामा, इन तीनों विधियों का यूज होता है बायोडायवर्सिटी मेजरमेंट के लिए, डेल्टा का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉट बोला है तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम बात करते हैं जैव विविधता के मापन की, तो तीन विधियों की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया अल्फा बीटा गामा। अभी क्या होती है इसको देख लीजिए, जब भी हम अल्फा विधि की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र में जो प्रजातियों की कुल संख्या है उसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, कितनी संख्या है नंबर्स में, कितनी है प्रजातियां, हम इसको फाइंड आउट करते हैं अल्फा डायवर्सिटी में, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं बीटा विविधता की, बीटा डायवर्सिटी की, तो यहाँ पे जो प्रजातियों की संरचना है, कंपोजिशन है, उसकी पहचान की जाती है, पहले में नंबर, दूसरे में कंपोजिशन, और तीसरे में जब हम बात करते हैं गामा में, तो इनके बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, जो एक तरीके का रिलेशन है, जो इंटरकोर्स है, उसकी हम बात करते हैं किसमें, हम बात करते हैं गामा विधि में, ठीक है, जो एक्टिविटीज है इनकी उसकी हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा क्लास, अल्फा बीटा गामा, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज ग्रीन ऑस्कर। तो सबसे पहले आपको दिया गया राइट लाइवलीहुड अवार्ड, फिर स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड, फिर एनर्जी ग्लोबल अवार्ड, फिर है विटले अवार्ड। तो यहाँ पे ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है विटले अवार्ड को, ठीक है, तो नाइन्थ का जो डी है वो आपका एकदम सही है, नाइन्थ का डी आपका एकदम सही उत्तर है। चल दसवें प्रश्न को हम देखते हैं। आम के संदर्भ में, आम की बात की गई है, मैंगो की बात की गई है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए, इस फल में आंतरिक उत्तक क्षय जस्ते की कमी से होता है, ठीक है, इंटरनल टिश्यू डिके जो होता है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, और ये इसका इसका कुल मुंह जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, तो इसको आप लोग इसका सही उत्तर देख लीजिएगा, दस का जो सही उत्तर है वो सी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देख लो, आम का जो वानस्पतिक नेम है वो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सा प्रश्न था, इसको देख लीजिएगा दसवें को एक बार। चलिए ग्यारहवें प्रश्न को देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, टोटल स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, 3, 7, 5, 6, तो मैं आपको बता दूं टोटल स्टेज 5 होते हैं। तो 11वें का आपका सही उत्तर क्या है, सी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है पेपर में इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछ ले। सबसे पहले ये सिद्धांत दिया किसने था, तो आप याद रखेंगे थॉमसन और नोटेस्टीन ने दिया था, ठीक है, और बाद में इसमें, पहले इन्होंने जब दिया था थॉमसन ने, तो यहाँ पर 4 स्टेजेस की इन्होंने बात की थी, बाद में इसमें एक और स्टेज जोड़ा है, 5वां स्टेज जोड़ा है, वो किसने जोड़ा है, कोलीन क्लार्क ने जोड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब टोटल 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें प्रथम अवस्था की, यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा डीप में पढ़ते हैं इसको, जब हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि की बात होती है। ये याद रखिएगा, पहले चरण में जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी है, ठीक है, दूसरे चरण में जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र है, ठीक है, तेज है, ठीक है। तृतीय अवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जन्म दर और न्यूनतम मृत्यु दर है वो कम हो जाती है, ठीक है, ये याद है, और कम हो जाती है जनसंख्या। फिर चतुर्थ अवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निम्न हो जाती है, निम्न मतलब बहुत कम जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर होती है, ठीक है,
यहाँ पर तीसरे वाले में पहले वाले में जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी है, फिर उसके बाद तीव्र हुई, फिर धीमी होनी शुरू हुई और अब चौथे उसमें आपकी फिर धीमी ही चल रही है। जो पंचम है, जो पांचवा स्टेज है, उसमें जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाता है, जिसका किसी समय परिणाम जनसंख्या वृद्धि में शून्य होगा। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो कोई भी जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। जब जितने लोग मरेंगे उतने लोग ही जन्म लेंगे, तो अब आपको समझ में आ रहा है जनसंख्या वृद्धि होगी ही नहीं। तो ये चीज समझ में आ गया, भूलिएगा नहीं, पेपर में प्रश्न बन सकता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रश्न पेपर में बनता है। बारहवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि से कम है? ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है भारत की उससे कम किस स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कम है। अब कैसे कम है इसको देखते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर देखिए भारत की अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो कितना है? 17.66। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करें, हम आपसे बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कितनी है? 15.99। ठीक है, तो वो कम है भारत की जनसंख्या वृद्धि से। चलिए 13, अच्छा यहाँ पे यूपी की देख लीजिए, क्योंकि यूपी स्पेशल में प्रश्न बन सकता है, सबकी रटने की जरूरत नहीं है, यूपी की देख लीजिएगा 20.23, थोड़ा गंदा सा लिख दिया है, तो 20.23। चलिए 13 प्रश्न को देखते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज आपकी लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, किसमें? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पे देखते हैं, स्लोवाकिया दिया गया है, स्लोवेनिया दिया गया है, एंड्रोरा दिया गया है और स्पेन दिया गया है। और आपका जो सही उत्तर है वो जानते हैं क्या होगा? स्लोवेनिया और एंड्रोरा जो है वो क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज आपको पता चल रहा है ना कि चारों तरफ से लैंड से कवर्ड होना, चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में जमीन हो, ठीक है, किसी एक्वेटिक बॉडी से ना कनेक्टेड हो। तो ये देखिए, ये यूरोप का मैप है, यहाँ पर अगर आप इसको करिए तो यहाँ पर हमने किसके किसकी बात की है, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे एंड्रोरा ये है, दिख रहा है आपको, ठीक है, इस प्रश्न में जो पूछा गया था एंड्रोरा। और स्लोवेनिया की अगर हम बात करें तो स्लोवेनिया इधर की तरफ है आपका, इधर की तरफ, देखिए छठवें नंबर पे स्लोवेनिया, ये स्लोवेनिया है, तो आपको दिख रहा होगा लैंडलॉक। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया जो है वो भी लैंडलॉक्ड है, ठीक है, जो हंगरी है वो भी लैंडलॉक्ड है। इधर की जितनी भी कंट्रीज अगर आप यहाँ पे प्लॉट करिए तो देखिए पांचवा, सातवा, ठीक है, छठवा, नौवा, आठवा, चार, ये सब क्या है? ये सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, सॉरी स्लोवाकिया, फिर ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ठीक है, फिर हंगरी, ये सब आपकी लैंडलॉक्ड है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैथ्स रिलेटेड प्रश्न हम बहुत सॉल्व करेंगे, पेपर आते आते काफी कवर हो जाएगा, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए। अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक में बहुत दिक्कत हो रही है, मैम नहीं याद हो रहा, बार बार बहुत परेशानी हो रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस स्पेसिफिक टॉपिक को। उस स्पेसिफिक टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से अगले टेस्ट में कवर कर लेंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक को आप जरूर कमेंट में मेंशन करिए, मैं अगले के अगले या फिर अगर पॉसिबल होगा तो अगले ही टेस्ट में उसको कवर कर लूंगी एक प्रश्न के माध्यम से। जैसे आप में से किसी ने डोमिनियन स्टेटस पूछा था, मैंने उसको समझाया और समझ में आया होगा अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने कई प्रश्नों को पूछा था जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेती हूँ, तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। 14 प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू गिनी द्वीप दिया गया है, फिर बोर्निया द्वीप दिया गया है, फिर क्यूबा द्वीप दिया गया है, फिर विक्टोरिया द्वीप दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। अच्छा क्लास, एक चीज और बोलूंगी, जैसे अभी इस प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत ही जल्दी दे दिया, ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सोच नहीं पाए होंगे, तो जब भी मैं प्रश्न को पढ़ू ना, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर कहीं पे नोट कर लीजिए या फिर माइंड में बोल दीजिए, ठीक है, और फिर देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत तेज हो गई है तो आप ये काम कर सकते हैं।
चलिए 14th प्रश्न बी आपका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं 15th प्रश्न की। मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका के देशों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज को बोला गया है जो कि मकर रेखा पे क्या बोला गया है, कैप्रिकॉन लाइन पे है, उनको अरेंज करना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे मोजाम्बिक दिया है, साउथ अफ्रीका दिया है, बोत्सवाना दिया है और नाम्बिया दिया है। अगर आपको अफ्रीका का मैप याद है तो आपको ये याद रहेगा कि ईस्ट डायरेक्शन में मोजाम्बिक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर ऐसे, चलिए मैं आपको इसको मैप के थ्रू ही बताती हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपको दिख रहा है मैप, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये मोजाम्बिक है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर आपको बोत्सवाना दिखेगा और यहाँ पे क्या है, नाम्बिया है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा ईस्ट में, मोजाम्बिक, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर बोत्सवाना, फिर उसके बाद नाम्बिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। डी आपका सही उत्तर है, मैप में भी आपने देख लिया, इसको एक बार जरूर एटलस पे देखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है। 16वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विकास निम्नलिखित में से किस युग में हुआ है, ठीक है, कब इनका डेवलपमेंट हुआ है, प्री कैम्बेरियन एरा में, कैलिडोनियन एरा में, या फिर हार्शेनियन एरा में, और आखिरी आपको दिया है एल्पाइन एरा में। तो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज जो है उसका डेवलपमेंट आपका हुआ है हार्शेनियन में। तो 16th का सी आपका सही उत्तर है, 16वें का सी सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, जब हम विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं तो हर्सेनियन युग में एरा में इसका इन श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही प्री कैम्बेरियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत है उनका निर्माण कब हुआ है, तो प्री कैम्बेरियन युग में, ठीक है, और रेसिडुअल का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, बहुत पुरानी है अरावली, ठीक है। फिर इसी तरीके से कैलिडोनियन युग की अगर हम बात करें तो इस समय आपकी पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। एल्पाइन युग में किसका, हिमालय का निर्माण हुआ है। तो क्लास याद रखिएगा, इस जो ये जो स्क्रीन है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से का डेवलपमेंट किस समय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्री कैम्बेरियन युग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरावली का निर्माण हुआ है, ठीक है। कैलिडोनियन युग की बात करें तो पूर्वी घाटी का, एल्पाइन युग की बात करें तो हिमालय का, और हार्शेनियन युग की बात करें तो यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा का। तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको ध्यान से अगर हम लोग लोकेट करें तो ये विंध्यन रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। यहां पर आपको एक रिवर ये दिख रही होगी, ध्यान से देखिए, और दूसरी रिवर आपको ये दिख रही होगी। अभी हम बताते हैं ये दो रिवर कौन सी है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज। तो कौन सी रिवर है जो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है, यमुना, महानदी, नर्मदा या फिर गोदावरी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नर्मदा नदी। विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा नदी फ्लो करती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा रेंज जो है वो रन पैरेलल बिटवीन द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको सतपुड़ा रिवर दिखाया है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, दो मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिएगा, ये आपको सतपुड़ा रेंज दिख रही है। सतपुड़ा रेंज किन दो नदियों के बीच में है ये पूछा है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा रेंज नर्मदा और तापी के बीच में है, ठीक है। किसके किसके बीच में, नर्मदा और तापी के बीच में। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है जो कि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ना यहाँ पे कम दिख रहा हो, क्योंकि बहुत ही लाइट है ये, लेकिन आप लोग सुनिएगा जो मैं पढ़ रही हूँ। बोला गया है सतपुड़ा और विंध्यास के विंध्यन रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। आप सभी को पता है कौन सी रिवर जो है उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, महानदी बनाती है, ठीक है। फिर हेमावती, हेरांगी, अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। और सांगपो, किस रिवर को सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। कल हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में डिस्कस भी किया था। किन स्टेट्स में है ये, असम, अरुणाचल प्रदेश में है। मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी या ऑयल वेल कहां पर मिला था, डिगबोई में मिला था, जो कि कहां पर था, असम में था। इतनी चीजें हमने डिस्कस की थी।
तो चलिए इस प्रश्न का भी सही उत्तर अगर हम देखें तो सतपुरा और विंध्या के बीच में नर्मदा, ए का सेकंड, ए का सेकंड दो जगह है, ठीक है। डेल्टा कौन बनाती है, महानदी बनाती है, बी का वन, तो ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 17 प्रश्न को देखते हैं। अब देखें यहां पर हमने एक प्रश्न को डिस्कस किया और उससे कौन कौन से और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। मैं पूरी कोशिश करती हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जितने इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर कर सकूं इतने टाइम में कवर करूं, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मेरे एफर्ट्स को एटलीस्ट अप्रिशिएट करिएगा क्लास, इसलिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं। यही एक माध्यम है हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का। इसीलिए अगर किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन भी होती है तो मुझे जरूर बताया करिए, ठीक है। अब टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करूंगी आप लोगों का। मैं 17 प्रश्न को देखती हूँ। नाथुला व जेलेप्ला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। नाथुला और जेलेप्ला की बात की गई है, तो यहाँ पे स्मॉल हिमालयन रेंज में, ग्रेट ट्रांस या शिवालिक। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, ग्रेट हिमालयन रेंज में, ठीक है। नाथूजी, जब भी हम नाथूजी की बात करेंगे तो नाथूजी कहां पर है, सिक्किम में है, याद रखिएगा ये चीज आप। नाथूजी सिक्किम में, नाथूजी, ठीक है। रोहतांग बारा शिप, मैंने ये ट्रिक आपको बताया था, देखिए अगर आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं। नाथू जी जो है वो सिक्किम में है, ठीक है। फिर रोहतांग बारा शिप, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा शिप है जिसमें कि बहुत रोहतांग है, मतलब बहुत हिम्मत चाहिए इस पे बैठने की। तो इसमें हिम्मत चाहिए बैठने की ना, तो ये कहां पर होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, रोहतांग बारा शिप, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप अगर आपको मन करे तो। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18वें प्रश्न को देखिए। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील ताजे पानी की नहीं है, फ्रेश वाटर लेक कौन सा नहीं है, ये बोला गया है। रेणुका लेक, ठीक है, लेक कोलेरू, फिर आपको दिया गया डेबर लेक, और लास्ट में आपको दिया गया लोकटक झील। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेश वाटर लेक नहीं है, तो वो है डेबर झील, ठीक है, जो कि आपके राजस्थान में है, और राजस्थान में है ये, एक सॉल्ट लेक है, सॉल्टी लेक है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। डेबर झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं लोकटक झील की, तो कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है, और ये एक ताजे पानी की झील है, ये याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा सब चीजें, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कोलेरू झील की, तो ये कृष्णा और गोदावरी तट के उस स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखिए। और रेणुका झील आपकी कहाँ पर है, रेणुका झील आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो कोलेरू झील किधर होगी, जब मैंने बात की अभी, अच्छा यहाँ पे मैंने स्टेट नहीं बताया, कोलेरू झील की बात करें, कृष्णा गोदावरी की बात करें, तो इधर आंध्रा की बात करेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। चलिए 19वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, परियोजना दिया गया, राज दिया गया, ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। वॉटरफॉल से रिलेटेड, ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। अभी ये जो हमने डिस्कस किया लेक्स से रिलेटेड भी प्रश्न पूछते हैं। चलिए देखते हैं। तिस्ता प्रोजेक्ट सिक्किम में है, ठीक है, एकदम सही है, नॉट करेक्टली मैच बोला है। जवाई की अगर हम बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर भीमा गुजरात दिया गया है, और अपर भाद्रा परियोजना कर्नाटक दी गई है, तो कर्नाटक में है। जो भीमा प्रोजेक्ट है वो गुजरात में नहीं है। यहाँ पर आपका जो नॉट करेक्टली मैच बोला गया, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। भीमा परियोजना की अगर हम बात करें तो भीमा परियोजना जो है वो पावना नदी पर है, और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा भीमा प्रोजेक्ट आपका कहां है, महाराष्ट्र में है, वो किस नदी के ऊपर है, पवाना नदी पे, ठीक है, पवाना नदी पे, पावना पवाना नदी पर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है, 371 आर्टिकल से, और आपसे बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 371 सी जी आई जे की बात की गई, सिक्किम मिजोरम गोवा कर्नाटक दिया गया है, तो 371 सी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर। तो 20वें का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, PYQ है, जो कि पेपर में पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम 371 की बात करते हैं तो हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं। 371 का ए जब हम बात करते हैं तो नागालैंड, फिर बी में असम, फिर सी में आपका मणिपुर,
डी और ई में आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, एफ में हम सिक्किम की बात करते हैं, जी में मिजोरम की, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और जे में कर्नाटक। याद रखिएगा ऐसे ही मैथ द कॉलम में बनता है। अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से भी याद करते हैं, नमाज मग, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं नमाज मग, ठीक है। यहां पर सबसे पहले जब हम ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए मेरे साथ, बोलिए नागालैंड, ठीक है। जब हम बात करेंगे बी की तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, असम, फिर मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आप याद रखेंगे कि डी और ई दोनों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो दो, क्यों, क्योंकि ए दो बार आया है तो ये दूसरे ए की हम बात करें, आंध्र प्रदेश में हम डी और ई दोनों की बात करते हैं। फिर एस हमारा सिक्किम हो गया, ठीक है, फिर सिक्किम के बाद मिजोरम हो गया, ये याद रखिएगा, सिक्किम के बाद मिजोरम हो गया, फिर उसके बाद यहां पर ऐसे मिजोरम के बाद फिर ये मग, मग एम ए जी मग था, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्लास, यहां पर हमने नमाज मग की बात की है, ठीक है, नमाज मग के। तो तीन बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपको किसी और तरीके से याद होता है तो अपने तरीके से याद करिए, मेरा पर्पस बस यही है कि अगर ऐसा प्रश्न पेपर में पूछे तो आपका गलत ना हो, ठीक है, अपने तरीके से याद करिए, इस तरीके को भूल जाइए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। परेशान लेकिन नहीं होंगे कि मैम क्या बोल डाली, इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। चलिए 21वें प्रश्न को हम देखते हैं, इंटरिम कैबिनेट की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे बलदेव सिंह डिफेंस से रिलेटेड थे, ठीक है। जे एम मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया गया है और श्री राजा गोपालचारी एजुकेशन दिया गया है। तो बलदेव सिंह डिफेंस से रिलेटेड थे, एकदम सही है। श्री राजा गोपालचारी एजुकेशन से रिलेटेड थे, एकदम सही है। मंडल कमीशन याद रखो, मंडल कमीशन जो था, जो मंडल कमिटी थी, वो यहाँ पे मंडल जी का नाम दिया गया और कम्युनिकेशन दिया गया, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, खाली एक और तीन। अंतरिम सरकार की बात की गई, मंत्रिमंडल की बात की गई है, तो इसको देखना, जब हम अंतरिम सरकार की बात करेंगे तो होम अफेयर्स किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, एग्रीकल्चर फूड राजेंद्र प्रसाद, एजुकेशन श्री राजा गोपालचारी, कॉमर्स भावा जी के पास था, डिफेंस बलदेव, फिनांस जॉन मथाई, ठीक है, इंडस्ट्री श्री राजा गोपालचारी, लेबर जगजीवन जी, ठीक है, लॉ अली जहीर, ठीक है, फिर आसफ अली के पास, रेलवे कम्युनिकेशन, और ये देखिए ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, हो सकता है विजुअल ना हो, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग अंतरिम सरकार डालकर गूगल पे सर्च करेंगे ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, प्लीज लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फोल्डर में एक जगह आप पिक्चर्स को सेव कर रहे हैं वहां पे इसको भी सेव करिएगा, यहां से भी पेपर में प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, 22वें प्रश्न को हम देखते हैं, राष्ट्रपति पे महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन को चुनिए, ठीक है, सही स्टेटमेंट को चुनना है। सबसे पहले हमने इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, देखते हैं भारत भारत के राष्ट्रपति जो हैं पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दी गई है, ठीक है, इंपीचमेंट की बात की गई है और बोला गया इंपीचमेंट 61 में दिया गया है, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोला गया है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के केवल लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो मैं बता दूं दूसरा स्टेटमेंट गलत है। महाभियोग की बात करें तो इसका प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत, दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड देखिए, इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 21 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, नहीं 21 दिन पूर्व नहीं 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। तो इन सारे स्टेटमेंट्स में से आपका जो सही है उत्तर है वो आपका क्या है, खाली एक है, एक ही सही है और दोनों गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 22वें का बी आपका सही उत्तर है। 23rd प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कौन सा डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है बोला गया है। अब क्लास याद रखिएगा, जब भी हम डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना रहता है, ठीक है, दो लिखा है ना, डाई लिखा है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज मेल्टोज ग्लाइकोजन दिया है, स्टार्च दिया है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है माल्टोज, माल्टोज डाइसेक्राइड है, दो मोनोसेक्राइड
उससे मिलकर बना रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग एक बार, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट दो मोनोसेक्राइड इकाइयों से बनता है, ये मीठी और जल में घुलनशील होती है। डाइसेक्राइड के तीन प्रकार होते हैं, पौधे में माल्टोस एवं सुक्रोज, जंतुओं में लेक्टोज। ठीक है, माल्टोस अंकुरित बीजों में, सुक्रोज गन्ने के रस में, और लेक्टोज मानव माता के दूध में मिलता है। आपको पता है मिल्क में क्या मिलता है, लेक्टोज मिलता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, जब हम फ्रुक्टोज की बात करते हैं, जो कि पहला ऑप्शन आपको दिया था, जो फ्रुक्टोज है वो आपका मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है वो है पॉलीसेक्राइड, जो कि दो से अधिक सेक्राइड से मिलकर बनी, मोनोसेक्राइड से मिलकर। चीजें क्लियर हुई, जो फ्रुक्टोज है वो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर आपका क्या बनता है, डाइसेक्राइड बनता है। और यहाँ पे डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हमने देखा इस क्वेश्चन में, आपका माल्टोज है, फिर उसके बाद हमने बात किया ग्लाइकोजन की और स्टार्च की, ये आपके पॉलीसेक्राइड है। क्लास ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया लेकिन पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए 24वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर प्रोटीन दिया गया है और बोला गया कौन कौन सा सही है, तो देखते हुए चलते हैं। साइटोक्रोम, देखिए क्लास फिर कहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि क्लास बहुत तेज हो रही है तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं मैम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करिए, तो मेरे दिमाग में रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूं और इस तरीके से कवर करूं कि आपको चीजें समझ में भी आए। ठीक है, तो कभी कभी मुझे ही ऐसा फील होने लगता है कि मैंने बहुत तेजी से समझा दिया, तो कभी भी ऐसा लगे तो वीडियो को पॉज करके इसको फिर देखिए, और अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स तो है ही है, उसके लिए तो आप लोग एकदम फ्री हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए, साइटोक्रोम की अगर हम बात करें, ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। फिर हिस्टोन की बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक ट्रेट्स। और फिर क्या लिखा है, ग्लोबुलिन की बात करें तो प्रोटीन फाउंड इन कॉटन। तो यहाँ पे कौन सा सही है बोला गया है, तो साइटोक्रोम तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। हिस्टोन्स की बात करें, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक ट्रेट्स। देखिए अनुवंशिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है हिस्टोन। ठीक है, और अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो ये हमारा गलत है, प्रोटीन में नहीं। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। ग्लोबिन जो प्रोटीन है ना वो रुधिर में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और कपास में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम गोसिपीन कहते हैं। ठीक है, गोसिपीन, गोसिपीन याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। साइंस रिलेटेड प्रश्न है, ये सब अच्छे प्रश्न है लेकिन क्वालिटी अच्छी है प्रश्नों की, ये आप भी फील कर रहे होंगे। ठीक है, पित्त रस भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, जो बाइल जूस है वो फूड्स को एसिडिक बनाता है। दूसरा दिया गया है आपको, पेनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। जब भी हम बाइल जूस की बात करते हैं, हम पित्त रस की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये श्रावित कहाँ से होता है, ये सिक्रीट कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, पित्त रस में, बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होता है, लेकिन जो आपके यहाँ पर दिया गया है जो दूसरा पेनक्रियाटिक जूस, उसमें आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। दूसरी चीज, जो पित्त रस है वहां पर दिया गया था कि एसिडिक बनाता है फूड्स को, नहीं, वो क्या बनाता है, वो एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, क्षारीय बनाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए अभी क्षारीय की बात की गई है, एल्कलाइन की बात की गई, बेस से रिलेटेड प्रश्न आ गया। क्षार के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है, यहाँ पर चलिए बेस की बात की गई है, जो बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है लिखा है। ठीक है, इससे इनको छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है, ये चिकने होते हैं बेस। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और सभी कथन सत्य हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। जो बेस होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, उसको छूने में ये साबुन की तरह लगता है। जो इसका पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। 26वें का डी आपका सही उत्तर है। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं, साइंस रिलेटेड ये भी प्रश्न है। द्रव्य दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड प्रेशर की बात की गई है। सबसे पहले दिया गया द्रव्य दाब द्रव की आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, द फ्लूइड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द फ्लूइड।
फिर दूसरा है द्रव नहीं एक ही गहराई पर द्रव दाब चारों ओर से अलग अलग लगते हैं, ठीक है। द फ्लूइड प्रेशर वेरीज अराउंड एट द सेम डेप्थ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द्रव दाब जो द्रव की आकृति पर निर्भर करता है, नहीं उसकी आकृति पर नहीं डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, और वो कितने डेप्थ पे है, गहराई पे है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये हर तरफ से सेम वो नहीं लगता। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी आपका सही है। देखिए फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहे हैं, द्रव दाब की बात कर रहे हैं, तो ये घनत्व और सतह से गहराई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, वह ग्रेविटी फोर्स पर, ठीक है। यह द्रव की आकृति पर निर्भर नहीं करता है और एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर से समान होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 28वां प्रश्न, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, डायरेक्ट इन्वेंशन पे प्रश्न है, लूसेंट में जाएंगे तो इन्वेंशन से रिलेटेड सब दिया गया कि एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया है, टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है, टीवी का इन्वेंशन किसने किया है। और मैं आपको बताऊं इसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, अरे यार ये कौन पूछता है, ये पूछा जाता है पेपर में, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो अब आप परेशान हो गए कि मैम इतना कैसे रटे। तो एक दिन में कोई भी चीज नहीं रटी जाती है, एक काम करो जहां भी पढ़ते हो एक पन्ने में लिख लो और एक ट्रिक बना लो, ठीक है, ट्रिक बना लो। जैसे बाइफोकल, एफ से फोकल, एफ से फ्रैंकलिन, ऐसे करके याद कर लो। पेपर में आपसे ये तो पूछेगा नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, जब ट्रिक से याद रखोगे तो तुरंत टिक लगा लोगे, और पांच छह बार रिवाइज किए रहोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ टिक लगाओगे। तो बाइफोकल लेंस की अगर हम बात करें तो इसको किसने इन्वेंट किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो अब याद रखना एफ से फोकल, एफ से फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, देखो, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पे बी एफ बेंजामिन फ्रैंकलिन और बाइफोकल लेंस बी एफ। 29 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा की बात की गई है, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर आपका सही उत्तर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, डी आपका सही उत्तर है। अब कुछ और चीजों के नाम देख लीजिए, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो जो मैं बोल रही हूं उसको सुनिए, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, जो कि डिटर्जेंट में, पेपर में, सोप में यूज होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ठीक है, जो कि आपके खाने में बेकिंग सोडा का यूज करते हो, एंटा एसिड की तरह उसको यूज करते हो। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वो क्या है आपका, वॉशिंग सोडा है, जो कि कपड़े धोने के काम आता है। और ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पेपर में सीधे से ये प्रश्न पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, उस क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में या ब्लीचिंग पर्पस में यूज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आपको दिख रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो रही है तो। याद रखिएगा कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर को। 30th प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में नहीं किया जाता है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में कौन सा नहीं किया जाता है, बोला है चरकुला, पिकॉक, कर्मा और रास, ठीक है, रास डांस। तो यहां पर आप याद रखेंगे जो कर्मा डांस है वो ब्रज क्षेत्र का नहीं है, वो कहाँ का है, वो सोनभद्र का है, ये यूपी का स्पेशल का प्रश्न है, ठीक है। जो कर्मा नृत्य है वो सोनभद्र में किया जाता है और इसको मेनली आपके खरवार जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 31st प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान अकेडमी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं है। चलिए लखनऊ में किसका मुख्यालय नहीं है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का, हिंदुस्तानी अकेडमी का या फिर उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी का। अब ज्यादातर लोग सोचेंगे उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी जो है वो पंजाब में होगा, तो मैं आपको बता नहीं, पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश है, पंजाबी अकेडमी है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हिंदुस्तानी एकेडमी जो है वो आपका लखनऊ में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। तो 31st का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लीजिए 1927 में प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी का मतलब निर्माण हुआ था या फिर इसको स्थापना हुई थी। चलिए 32nd प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात की गई है, मानव गरीबी सूचकांक की बात की गई है और उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, यह सूचकांक दो कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें विकसित विकसित एवं विकासशील देशों के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब भी हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो दो फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड करती है, वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो चार फैक्टर्स आपके क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। दूसरा, लिटरेसी साक्षरता। तीसरा, आपका आय और सामाजिक वंचन, ठीक है, आय और सामाजिक वंचन। ये याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दो फैक्टर्स पे नहीं, ठीक है। दूसरा जो दिया गया था, डिफरेंट इंडिसेस आर प्रिपेयर्ड फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, ये एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी जो है वो आपका सही उत्तर है। 32nd का बी आपका सही उत्तर है। 33rd क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो की बात की गई है, नगद आरक्षित अनुपात की बात की गई है। तो नाम से ही क्लियर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित, ठीक है, नगद को आरक्षित कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने, तो चलिए देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक विल हैव मोर करेंसी अवेलेबल टू लेंड, कॉमर्शियल बैंक विल हैव लेस करेंसी अवेलेबल टू लेंड, सेंट्रल बैंक विल हैव मोर करेंसी टू लेंड और दी सेंट्रल बैंक विल हैव लेस करेंसी टू लेंड। अब देखिए यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स की जो बात की जा रही है, ठीक है, तो जब ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व वो करके रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक, तो उनके पास कम पैसे बचेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में आप 80 रुपए रिजर्व कर दो मेरे पास, ठीक है, कैश के फॉर्म में, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 20 रुपए बचेंगे। अब इन 20 रुपए से ही आप अपने आने वाले ग्राहकों को पैसे लेंड कर पाएंगे, तो 20 रुपए बचे ना। तो ऐसे समझिएगा, कैश रिजर्व रेशियो ये जो है कि कॉमर्शियल बैंक किसके पास रिजर्व करके रखता है? आरबीआई के पास, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, उनके पास रिजर्व करके रखता है। नाम से ही क्लियर है, कैश के फॉर्म में इसको रिजर्व करता है आरबीआई के पास। मतलब अब आरबीआई के पास ये पैसे हैं और अब जितने पैसे बचे हैं उतने पैसे में बैंक क्या करेगा? लेंडिंग करेगा, अपने ग्राहकों को पैसा देगा। तो जब कैश रिजर्व रेशियो को हम बढ़ाएंगे, अब आंसर दीजिए क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक विल हैव मोर करेंसी अवेलेबल टू लेंड, नहीं, उनके पास तो पैसे की कमी होगी ना, उनके पास अब कैश कम हो गया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कमर्शियल बैंक विल हैव लेस करेंसी अवेलेबल टू लेंड। तो बी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 33rd का बी सही उत्तर है। चलिए 34th प्रश्न देखते हैं। देखिए आज की क्लास में हमने साइंस से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखा, ठीक है। कितना क्विक रिवीजन हो रहा है सब चीजों का। नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन चुनिए, ठीक है। फिर कैश रिजर्व रेशियो से ही रिलेटेड है, अगर नहीं समझ में आया है तो अब की बार इस प्रश्न के थ्रू समझ में आएगा। देखते हैं क्या है। इसके तहत बैंकों को एक निश्चित राशि आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया कैश रिजर्व करना रहता है, नगद आरक्षित करना रहता है, किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, ठीक है। दूसरा देखिए, आरबीआई इस राशि पर बैंकों को ब्याज देता है? नहीं। जब भी हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं तो आरबीआई किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देता है बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो पर। तीसरा देखिए, इस अनुपात में वृद्धि से बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। एंड इंक्रीज इन द रेशियो रिड्यूसेस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जब बैंक का जब हम सीआरआर बढ़ा देंगे तो बैंक के खुद के पास कम पैसे बचेंगे, तो वो कम लेंडिंग कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देता है। दो गलत है, दो हटा दीजिए। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर बोला गया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है, ठीक है, मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2012 में, 2002 में, 2008 में या फिर 2014 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, 2014 में
प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस लेक्चर में कवर करूँ। फिर कहूँगी अगर किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है या फिर आप कोई भी टॉपिक चाहते हो कि मैम इसको आप एक क्वेश्चन के माध्यम से कवर करिए, तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ के आने वाले टेस्ट में उस टॉपिक को कवर कर लूंगी क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपको समझ पे भी आए। ठीक है, और जो फॉन्ट की साइज की दिक्कत हो रही है, तो मैंने पूरी कोशिश की है फॉन्ट साइज को जो लेटर्स है उसको बड़ा रखने की। बीच में जो स्लाइड्स होती है ना, उसमें थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा हल्के में लिखा रहता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। तो जब मैं उसको तैयार करती तो मुझे लगता है ये भी आप लोगों को बता दिया जाए, ये भी आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, तो उसको मैं पढ़ती हूँ तो उसको सुना करिए, तो और कोई तो दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और डिकोड एग्जाम और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, क्लास को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।